यूक्रेन के सैनिकों का रूस के टैंक पर हमला, यूक्रेनी सैनिक ने टैंक के अंदर फेंका ग्रेनेड, तबाह हुआ टैंक। रायस के लैंडफिल में लगी भीषण आग, रूस की बमबारी के बाद भड़की आग, आसमान छूता धुएं का गुबार उठता नजर आया। कीव के झील से निकाला गया रूसी हेलीकॉप्टर, युद्ध के पहले दिन यूक्रेन की एयरफोर्स ने मार गिराया था। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के बंदरगाहों को ब्लॉक करने से किया इनकार, कहा यूक्रेन ने बंदरगाहों के आसपास माइंस बिछाई, माइन हटाने पर यूक्रेन के अनाज के निर्यात के लिए सुरक्षित रास्ता देने के प्रस्ताव को दोहराया, भोजन और ऊर्जा संकट के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। यूएन में यूक्रेन के राजदूत ने रूस पर दुनिया के साथ हंगर गेम्स खेलने का आरोप लगाया, कहा रूस ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से यूक्रेन के अनाज और खाद का निर्यात नहीं हो सकता। स्लोवाकिया के पीएम एडवर्ड हेगर ने यूक्रेन के बंदरगाहों को अनाज के निर्यात के लिए सुरक्षित किए जाने पर दिया जोर, बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। रूस को मिला अफ्रीकी देशों का समर्थन, अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन ने रूसी अनाज और खाद पर प्रतिबंध हटाने की अपील। लुहांस्क और दोनेस्क को फिर से बरसाएगा रूस, पुतिन के साथ ही सरगेई ने मॉस्को और लुहांस्क के बीच की दोस्ती की शुरुआत, घोषणा पर किए दस्तखत। ज़ेलेंस्की ने राजधानी कीव के एक हॉस्पिटल का दौरा किया, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ से मिलकर युद्ध के दौरान उनके काम की तारीफ की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का देश के नाम संबोधन, रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे होने पर दिया संदेश। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में शांति, जीत और यूक्रेन का किया जिक्र, आशावादी संदेश के साथ खत्म किया अपना भाषण। यूक्रेन के लवीव में रह रहे विस्थापितों ने बयां किया दर्द, कहा जंग में हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। शेल्टर होम में रह रहे लोगों ने इंतजामों की तारीफ की, बोले वॉलंटियर्स की मदद के बिना हम खुद को संभाल नहीं पाते। ज़ाइटामिर में यूक्रेन के कर्नल का अंतिम संस्कार, परिवार और साथी सैनिकों ने नम आंखों से दी विदाई, 30 मई को रूसी हमले में हुई थी मौत। युद्ध के 100 दिनों में 14 मिलियन यूक्रेनी नागरिकों को छोड़ना पड़ा अपना घर, 3 मिलियन यूक्रेनी बच्चों की छुट्टी पढ़ाई, यूएन की रिपोर्ट में खुलासा। रूस के हजारों लोगों पर प्रतिबंध लगाएगा यूक्रेन, 12,000 लोगों की बनाई लिस्ट।